The question is, Mahesh, who keeps his books on single entry system, sells goods at cost plus 50%. Cost plus 50% मतलब जो profit होगा ना, वो होगा cost plus cost का 50%. तो this is cost plus cost का आधा मिला के होगा profit. और ये इसलिए दे रखा है on 1st April his capital opening capital 4 lakh. 31st March 2018 को क्लोजिंग कैपिटल 3.5 लाख ही विड्रॉन 20,000 पर मंथ, मतलब महीने में 20,000 रुपए ड्रॉ किया है हर महीने. एंड बिसाइड्स इस ड्रॉइंग को छोड़ के बिसाइड्स गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 60,000 का गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ 60,000. How much did he earn in 2017-18? तो सो प्रॉफिट निकालो. तो बोल रहा है कि वो तो ड्राइंग्स कर रहा है मंथली 20,000 कैश ड्राइंग्स, बट उसके साथ साथ 60,000 रुपए के गुड्स सेल्स वैल्यू में निकाल लिया. सेल्स वैल्यू में जब कोई भी इंसान बिजनेस करता है प्रोप्राइटर, वो गुड्स अपने घर में प्रॉफिट में नहीं ले सकता. ही कैन टेक एट कॉस्ट प्राइस ओनली, कॉस्ट प्राइस में ले सकता है. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ने इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. जो गुड्स वो घर ले गया उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. सेल वैल्यू दे रखा है 60,000 और बुद्धि लगा रखा है, बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है दैट इज 50% ऑन कॉस्ट. तो हम एक स्टैंडर्ड 4 या 5 में एक छोटा सा मतलब कॉन्सेप्ट होता है, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे हम. ये हाईफाई मेथड में नहीं जाएंगे हम. ये जो मतलब लोग कैसे भी करके बना लेते हैं 20% 30% इसका ये वो दिस दैट, नो, वी विल बी गोइंग वेरी इन ए वेरी सिंपल मैनर, एक बढ़िया तरीके में हम इसको समझेंगे. देखो सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इम्प्लाइज दैट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ए प्रॉफिट को तोड़ दो. क्वेश्चन में लिखा है गुड्स आर सोल्ड एट 50% कॉस्ट प्लस 50% कॉस्ट प्लस कॉस्ट का 50%. ये कॉस्ट जो है ना इसका आधा हो गया प्रॉफिट. मैंने रेड इंक लिखा है और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया लेट कॉस्ट बी एक्स. ये कॉस्ट को एक्स समझो, इम्प्लाइज दैट वैल्यू डालो. जो गुड्स ले गया उसी का वैल्यू डालो, ड्रॉइंग्स कर लिया गुड्स ड्रॉइंग्स, वो 60,000 है. बट वो 60,000 में नहीं ले सकता, ही कैन टेक ओनली एट कॉस्ट प्राइस, वो तो सेलिंग प्राइस ही है. तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो कॉस्ट होता है एक्स प्लस एक्स इंटू 50%. तो ये एक्स का वैल्यू निकालो, तो इक्वेशन से एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, इम्प्लाइज दैट 60,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाई 5, 50% मतलब 50/100 1/2. इम्प्लाइज दैट 60,000 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स बाई 2. इम्प्लाइज दैट रुपीज 60,000 इज इक्वल टू 3x/2. एम्प्लाइज दैट 3x को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1,20,000 × 2, 1,60,000 × 2, तो 1,20,000 इज इक्वल टू 3x. एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1,20,000/3. एम्प्लाइज दैट इक्वल टू रुपीज 40,000. x क्या है, अमाउंट्स ऑफ गुड्स विथड्रॉन एट कॉस्ट प्राइस, दैट इज इक्वल टू एम्प्लाइज दैट कॉस्ट 40,000. यानी जो बंदा ने गुड्स विथड्रॉ कर लिया, यहाँ पे यू कैन से महेश जी ने जो गुड्स विथड्रॉ कर लिया उसका कॉस्ट था 40,000. देन हम ड्रॉइंग्स के तौर पे 40,000 कॉस्ट का गुड्स ही माइनस करेंगे. नेक्स्ट वन इज देयर फॉर द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू रुपीज 40,000 आज द ड्रॉइंग्स बाय द ओनर कैन नॉट बी एट सेल्स प्राइस बट एट कॉस्ट प्राइस. ये जो ड्रॉइंग्स है ये सेल्स प्राइस में 60,000 में कमी नहीं हुआ, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये हो गया. देन ड्रॉइंग्स आ गया एट कॉस्ट. नेक्स्ट वन इज योर क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स. ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है. यू कैन सी दिस वैल्यू डाल दिया. ये ड्रॉइंग्स का होता है 20,000 × 12, दैट इज 20,000 पर मंथ इंटू
वो 12 months तो टोटल आ जाएगा इसका क्लोजिंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट में, दैट इज। और एडिशनल कैपिटल लीजिए रुपीज 20,000 इंटू 12 प्लस 40,000 एज ड्रॉइंग्स, देन नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट का वैल्यू निकालो कैलकुलेट कर, प्रॉफिट मेड बाय मोहन रुपीज 2,30,000। और स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अ प्रॉफिट और लॉस मेड बाय मोहन, देन मोहन ने उसके ऊपर वाला इक्वेशन फॉर्म में था इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कर लेंगे पर्टिकुलर से। देन क्लोजिंग कैपिटल लेस कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कैसे होगा, देखो उसी में डायरेक्ट आगा आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल के बाद ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी ऐड कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल लेस होगा, ड्राइंग ऐड होगा, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो दैट विल बी नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर बाय मिस्टर मोहन रुपीज 2,30,000। रुपीज 2,30,000 इज द अमाउंट व्हिच इज द प्रॉफिट मेड बाय मोहन। इन दोनों मेथड में एक ही आंसर आएगा, वहां पे 2,30,000 आएगा तो इसमें भी 2,30,000 आएगा। दिस इज ऑल टू बी डन। अगर मेरे ये वीडियो और पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करिए दोस्तों के साथ, क्योंकि पढ़ो और पढ़ने दो। आप खुद सब्सक्राइब करिए और एंड यू आर इन मतलब 11th स्टैंडर्ड, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। पब्लिक पोर्टल में लिखते रहिए क्या वीडियो बनाने में कुछ कमी रहा, आई विल हेल्प यू टू इम्प्रूव माई वीडियो क्वालिटीज, जो कि आप आराम से घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। यू डिड नॉट हैव टू पे एनीथिंग, इट इज टोटली फ्री। 15 बार ये वीडियो देखो, पढ़ाई करो। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू पीपल। आप खुद पढ़ो और पढ़ने दो।